राजस्थान प्रदेश राज्य आयुष सोसाइटी एवं आयुष मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर कार्यरत योग प्रशिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाई है। योग प्रशिक्षकों का कहना है कि वे जन जन को आयुर्वेद और योग का लाभ पहुंचाने के लिए समर्पित है, लेकिन उनकी नियुक्ति और हेल्थ संबंधी वेतन संबंधी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। योग प्रशिक्षकों ने बताया कि वर्तमान में उन्हें पार्ट टाइम का 1 घंटे की नियुक्ति दी गई है, जो उनके लिए अपर्याप्त है। वे चाहते हैं कि उनकी नियुक्ति को औषधालय समय तक बढ़ाकर स्थायी कर दिया जाए, ताकि वे और अधिक प्रभावी ढंग से अपनी सेवाएं प्रदान कर सके। प्रशिक्षकों का कहना है कि स्थायी नियुक्ति से उनकी नौकरी की सुरक्षा बढ़ेगी और ये पूरी लगन से कार्य कर पाएंगे। योग प्रशिक्षकों ने यह भी बताया कि वे पिछले 2 वर्षों से अधिक समय से सेवाएं दे रहे हैं। वर्तमान में पुरुष योग प्रशिक्षकों को 8,000 रुपये और महिला योग प्रशिक्षकों को 5,000 रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जा रहा है, जो कि उनकी जरूरतों के हिसाब से अपर्याप्त है। और प्रशिक्षकों ने यह भी दावा किया है, निवेदन किया है कि उनका वेतन सम्मानजनक रूप से बढ़ाया जाए, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके और वे अपने कार्य को अच्छे ढंग से कर सके। आज आप यहाँ भाजपा प्रदेश कार्यालय आए, क्या मांग? हमारी मांगे ये है कि हम आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राजकीय आयुर्वेद औषधालय SWC पर योग प्रशिक्षक कार्यरत है। पिछले 3 साल हो गए, कोरोना काल में भी हम योग प्रशिक्षकों ने बेहतरीन सेवाएं दी, सबको कोरोना योद्धा बना गया, लेकिन हमारे योग प्रशिक्षकों के साथ अन्याय हुआ और कुछ नहीं मिला हमको। 3 सालों में हमने मांग ज्ञापन दे दे के हम थक चुके हैं और बिल्कुल हमारी सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने तो बिल्कुल भी नहीं सुनी। अब BJP की सरकार है तो हमें ये उम्मीद है कि जिस प्रकार योग के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर BJP सरकार कार्य कर रही है, तो हम योग प्रशिक्षकों को भी स्थायी नियुक्ति प्रदान करें। और हम योग प्रशिक्षकों को मात्र पुरुष को 8,000 वेतन दिया जाता है और महिलाओं को 5,000 वेतन दिया जाता है, यह असमानता खत्म हो और सभी को समान रूप से स्थायी नियुक्ति प्रदान की जाए और वेतन में जो असमानता है उसको खत्म करके समान वेतन लागू किया जाए। और अभी प्रेमचंद जी बेरवा साहब से मिलकर आए तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द हम आपके योग प्रशिक्षकों को जल्दी स्थायी नियुक्ति या जो भी उनकी तरफ से जो कार्रवाई है वो कर रहे हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय पे भी हम मिलकर आए तो उन्होंने भी सकारात्मक आश्वासन दिया है। प्रदेश कार्य BJP कार्यालय पे भी हमें सकारात्मक आश्वासन मिला है और BJP वाले बता रहे हैं कि हम योग प्रशिक्षकों के मुद्दे पर गंभीर है और हम ये मांग करते हैं कि इस बजट सत्र में योग प्रशिक्षकों को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। हम पिछले 3 साल की तरह खाली हाथ नहीं रहना चाहते हैं और अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो फिर हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन जो भी हमें करना पड़ेगा करेंगे और इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। हमें पूर्ण विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार योग प्रशिक्षकों का मान सम्मान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ा है तो हमें कुछ ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हमारी मांगे निश्चित रूप से मांग ली जाएगी। और हमने योग प्रशिक्षकों ने 21 जून पर भी बहुत ही शानदार जो कार्य किया, राजस्थान सरकार ने जो सहयोग किया उसके लिए भी हम आज धन्यवाद ज्ञापित किया इनको और हमें विश्वास है कि हमारी मांगे जल्द से जल्द मांग ली जाएगी।